Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों हमारा आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स होते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी थर्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इमेजिन करो एक छोटा सा घर है, उस घर में एक पतला सा बीमार सा आदमी रहता है. एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर एक पहलवान आ गया, तो उस पहलवान ने उस आदमी को ज़बरदस्ती, वैसे तो इलीगल होता ही है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको उस घर से निकाल दिया और खुद रहने लगा. तो ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है. इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट अपने से वीक एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से, उसी के सॉल्यूशन से निकाल कर बाहर फेंक देता है. डेफिनेशन देखें एक बार. दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड. तो एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लिया है उस कंपाउंड में. एक और डेफिनेशन हो सकती है इसकी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड. यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव को उसी के घर में जाकर, उसी के कंपाउंड में जाकर उसको तो रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट लें, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं, तो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. और फिर उसमें हम जिंक मेटल ऐड कराएं. जैसे ही जिंक मेटल, जिसका कलर सिल्वरी वाइट होता है, उसको हमने कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डाला, तो जिंक पावरफुल होता है, तो इसने कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से अलग कर दिया और खुद ऐड हो जाता है. खुद ऐड होकर क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट. अब ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया प्लस कॉपर अलग हो जाता है. यानी जो जिंक की हमने प्लेट इस पर डाली थी, कॉपर उस पर ऐड हो जाएगा और इसमें से जिंक निकलकर इस सॉल्यूशन में अलग हो जाएगा. यानी अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन, बिकॉज इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, नॉट अ कॉपर सल्फेट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऐड करा दिया, फिर उसमें हमने आयरन, जो कि ग्रे कलर की मेटल है, उसको ऐड कराया. तो आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगी. तो ये जो सॉल्यूशन हमने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, कि रिजल्ट क्या आया वो देखें, तो कॉपर इसमें रिप्लेस हो चुका है और किस पर डिपॉजिट हो गया है, इस नेल पर. यानी कॉपर इस पर आ जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर बनाएगा और यहाँ का जो आयरन है वो इस सॉल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट बनाएगा. और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन. अब कौन सी मेटल स्ट्रांग है और कौन सी वीक है, इसका पता कैसे चले, तो उसके लिए एक सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़. ये एक लिस्ट है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल ऊपर की तरफ है और लेस रिएक्टिव मेटल नीचे की तरफ. जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये कैसी मेटल हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, इतनी रिएक्टिव हैं कि ये वाटर से ही रिएक्शन कर सकती हैं, वाटर की कॉन्टैक्ट में आने पर ये जलने लगती हैं. जबकि अगर हम बात करें गोल्ड की या फिर सिल्वर की, तो ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल होती हैं. हर एक ऊपर वाली मेटल अपने से नीचे वाली मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग होती है. जैसे जिंक Fe यानी आयरन से ज़्यादा स्ट्रांग है, Fe Sn यानी टिन से ज़्यादा स्ट्रांग है, Sn लेड से ज़्यादा स्ट्रांग है. यानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी. तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकती है. जैसे अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें कि हमने ऐड कराया था कॉपर सल्फेट में आयरन को, तो कॉपर कहाँ है, यहाँ नीचे की तरफ है और आयरन ऊपर है यहाँ, तो आयरन ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कॉपर सल्फेट से, इसलिए इसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था. लास्ट अगर हम एग्जांपल देखें, तो जिसमें हम फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एल्यूमिनियम से, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में फेरिक यानी आयरन यहाँ पर है और एल्यूमिनियम यहाँ है. यानी एल्यूमिनियम ऊपर होने की वजह से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आयरन को इसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देगा और खुद उसकी जगह पर ऐड हो जाएगा. तो प्रोडक्ट देख लेते हैं. तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने आयरन को अलग कर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बन गया, यानी खुद उसकी जगह पर ऐड हो गया. इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, तो ये जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में आयरन मिलेगा, ये मॉल्टन स्टेट में मिलेगा, पिघला हुआ मिलेगा.
मॉडर्न आयरन का यूज़ किया जाता है जो रेलवे ट्रैक पर रेल की पटरियाँ क्रैक हो जाती हैं उनको फुलफिल करने के लिए वेल्डिंग में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देती है, तो वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं।